वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलोवेरा की। तो एलोवेरा का पत्ता बहुत सारे औषधि गुणों से परिपूर्ण होता है। यह हमारी स्किन के लिए फ़ायदेमंद है, हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। इसके बहुत सारे गुण हैं जिनकी गिनती करना भी असंभव है। जितना ये हमारे स्किन को फ़ायदा पहुंचाता है उतना और कोई चीज़ नहीं बताता। बट क्या ये नुकसान भी कर सकता है, इसके बारे में आगे जानेंगे। तो एलोवेरा का जो पत्ता होता है उससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल होता है। बहुत सारे शैम्पूज हैं जो आते हैं, तेल आते हैं, बहुत सारी क्रीम्स आती हैं जिनका हम इस्तेमाल डेली यूज में करते हैं। अपने हेयर्स प्रॉब्लम के लिए भी हम कई बार एलोवेरा के प्लांट के पत्ते का यूज करते हैं या मार्केट का यूज करते हैं हम। और अपनी सेहत को सुधारने के लिए हम एलोवेरा के जूस का भी इस्तेमाल करते हैं। पर क्या आप जानते हैं डायबिटीज़ के मरीजों के लिए एलोवेरा बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर डायबिटीज़ के मरीज एलोवेरा का यूज करते हैं तो उनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उनकी समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। हमारे ब्लड सेल्स को भी प्रॉब्लम होती है। तो एलोवेरा जितना हमारे स्किन के लिए फ़ायदेमंद है, सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, कई बार इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करने से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इससे हमें बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। तो एलोवेरा की पत्तियों में लेटेक्स पाया जाता है जिससे पेट की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे पेट में जलन होना, पेट में मरोड़ होना, गैस होना, इस तरीके की पेट की बहुत सारी समस्याएँ हो सकती हैं। तो आपको अगर लीवर की प्रॉब्लम है तो बिना डॉक्टर की सलाह के आप एलोवेरा का इस्तेमाल ना करें। कई बार ज़्यादा इस्तेमाल से आपको स्किन एलर्जी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। या कई बार आपने सुना होगा कि इससे स्किन प्रॉब्लम ठीक होती है, बट नहीं, कई बार कुछ लोगों को एलोवेरा से भी एलर्जी होती है। ऐसे लोगों को एलोवेरा बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें आँखों में जलन हो सकती है या स्किन की उन्हें और भी प्रॉब्लम हो सकती है, रैशेज भी हो सकते हैं। कई बार एलोवेरा का जूस हम पीते हैं तो उसकी वजह से हमारे पेट में जलन हो जाती है, मरोड़ आती हैं, खट्टी ढकारे आती हैं और पेट हमारा अजीब सा वर्क करता है और हम समझ नहीं पाते ये क्यों हो रहा है। तो एलोवेरा का जूस लेने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि एलोवेरा में पाया जाने वाला बायो एक्टिव कंपाउंड लीवर के डिटॉक्स प्रक्रिया में दखल दे सकता है। अगर आपको लीवर की किसी तरह की प्रॉब्लम है तो बिना डॉक्टर की एडवाइस से आप एलोवेरा जूस का बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से शरीर में पोटेशियम लेवल में कमी आ जाती है। इसके इस्तेमाल से हार्ट बीट अनियमित हो सकती है और जो महिलाएं, यानी कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, अगर वो अपने बच्चे को फीड कराती हैं और प्रेगनेंसी के दौरान वो एलोवेरा का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा करने से उनको प्रॉब्लम हो सकती है और जो प्रेग्नेंट महिलाएँ हैं उनके बच्चे होने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि एलोवेरा के जूस में स्किन को सिकुड़ने के गुण पाए जाते हैं जिससे ये उनकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। तो प्रेग्नेंट लेडी इसे अवॉइड करें और इसके इस्तेमाल से बचें। तो एलोवेरा के अब तक आपने इतने सारे अवगुण भी जाने, क्योंकि गुणों की खान वाला एलोवेरा कई बार आपके लिए अवगुण लिए भी हो सकता है, ये आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। ये आपकी हार्ट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपकी हार्ट बीट इससे रुक सकती है, इसकी हार्ट बीट पे आपके असर पड़ सकता है। लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है उनके शरीर में थकान व कमजोरी लग सकती है, या जिन लोगों को ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है ऐसे लोगों के लिए एलोवेरा का जूस अवॉइड करना ही बेहतर रहता है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि इसके कितने गुण हैं और कितने अवगुण है। तो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है, आपके काम की होती है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो मेरे चैनल को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।